नेक्स्ट क्वेश्चन दो हज़ार तेरह का सवाल है क्वेश्चन इज टू पिथ बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेज आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन दैम इज आर नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लेम्ड एट हाफ द हाइट इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स नाउ बिकम हमें बताना है इस केस में क्या होएगा सिंपल सवाल है लेकिन यहाँ पे थोड़े से आपको एन एल एम प्लस इलेक्ट्रोसैटिक के दोनों कॉन्सेप्ट अप्लाई करने होंगे सो so, हमने दो गेंदे लिए हैं Uh, उनको हमने चार्ज दिया तो वो दोनों म्यूचुअल रिपल्शन से इस तरह से वो आ गई और इनके बीच में लेट से ये सेपरेशन यहाँ पे आपका वाई है और ये सेपरेशन आर राइट सेकंड केस में हमने क्या किया कि उसी को वाई बाय टू पर आपने रिजिडली क्लैम कर दिया है और अब वो दोनों ऐसे uh, उनका डिस्टेंस ये हो है अब आपको ये बताना है कि ये जो आर टू डिस्टेंस है पहले वाले को आर वन कह लेते हैं आर टू डिस्टेंस है ये कितना होएगा और इस बार हमने इसको क्लाइम किया हुआ है वाई बाई टू पर ऐसे आपने क्लाइम कर दिया है यहाँ पर ऐसे करके तो ये डिस्टेंस वाई बाई टू हो गया है हालांकि सो so, पहली सो so, सबसे पहले तो हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बना के अपनी इक्वेशन लिख सकते हैं सो so, यहाँ पे एक फोर्स आपका लग रहा है एम दूसरा यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोसैटिक फोर्स रिपल्शन का लग रहा है और यहाँ पर आपकी टेंशन टी है टी के अगर हम दो कंपोनेंट लें तो मान लीजिए एंगल थीटा है थीटा वन क्या लेते हैं ये एंगल भी आपका थीटा वन होएगा सो so, इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि आपका पहली इक्वेशन हो गई इसको इक्वेट कर लेते हैं टी का यहाँ कंपोनेंट आएगा टी साइन थीटा दैट विल बी इक्वल टू आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन उसको आप लिखेंगे के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर दूसरी इक्वेशन हो जाएगी टी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम जी इसको हमने इक्वेशन वन कहा इसको हमने इक्वेशन टू कहा इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो टी की सुपारी हो जाएगी टी उड़ जाएगा आपका सो so, यहाँ पे आ जाएगा टेन थीटा वन विल बी इक्वल टू हमने इसको इससे डिवाइड किया है सो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एम जी आर स्क्वायर हालांकि सो ये आ गई अच्छा सिमिलरली यहाँ पे टेन थीटा को हमें क्योंकि आर uh, uh, दोनों के बीच कंपेयर करना है सो so इस टेन थीटा को हम लिख सकते हैं ये वाला डिस्टेंस होएगा आपका आर बाय टू डिवाइड बाय वाई सो दिस विल बी इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय टू वाई तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई सेकंड uh, वाले केस की जब हम बात कर रहे हैं तो सेकेंड वाले केस में हम फिर यही इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर फिर टेंशन होगी उसके दो कंपोनेंट आएंगे लेटेस्ट से ही वाला इस बार एंगल थीटा टू हो गया है तो आपकी इक्वेशन बनेगी टी साइन uh, थीटा वन दैट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन उसको आप लिखेंगे के क्यू स्क्वायर बाय आर टू का स्क्वायर इसको हम आर टू कह रहे हैं ये आपका जो सेपरेट डिस्टेंस हो गया वो आ गया सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन यहाँ बन सकती है उसको हम लिखेंगे t cos थीटा वन विल बी इक्वल टू एम जी और दोनों को फिर डिवाइड कर देंगे तो आपका tan थीटा टू ये थीटा टू होना चाहिए tan थीटा टू विल बी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम जी आर टू का स्क्वायर और tan थीटा टू की वैल्यू यहाँ पे जो ये गैप है tan थीटा टू वो आएगा ये आर टू बाय टू डिवाइड बाय 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 टू सो ये हो गया आर टू डिवाइड बाई टू डिवाइड बाय बाय टू यानी कि आर टू बाय वाई है सो ये आपकी सेकेंड uh, इक्वेशन बन गई सो so, यहाँ पे अगर हम इन दोनों को डिवाइड uh, कर दें सो so ये क्वेश्चन नंबर थ्री आ गई ये इक्वेशन नंबर आपका फोर आ गया या फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं अलट एक काम करते हैं यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं सो वाई विल बी इक्वल टू वाई को इधर लाएँ सो दिस विल बी इक्वल टू एम जी आर क्यूब उधर जाके आर क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाई टू के क्यू स्क्वायर और ये वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं तो अपनी जो R2 की वैल्यू आ गई सो so, इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसको इधर ले जाते हैं सो so, यहाँ पे हो गया R2 का क्यूब विल बी इक्वल टू K Q स्क्वायर डिवाइड बाय एम जी वाई है और यहाँ से Y की वैल्यू हम यहाँ पे इंसर्ट uh, कर देते हैं सो दिस विल बी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एम जी मल्टीप्लाइड बाय वाई है इसको यहाँ पे अगर हमने इंसर्ट कर दिया सो दिस विल बी इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाय टू के क्यू स्क्वायर टू के क्यू स्क्वायर और आर क्यूब ना अगर हम इसको देखें के क्यू स्क्वायर एम जी एम जी कट जाएगा और क्यूब रूट ले लें तो हम कह सकते हैं आर टू का आर टू का जो वैल्यू आ गया देट विल भी इक्वल टू वन बाय क्यूब रूट ऑफ आर सॉरी क्यूब रूट ऑफ टू मल्टीप्लाइड बाई आर सो so, इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी आर डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ टू वुड बी द राइट आंसर